रुड़की के माधोपुर गांव में हुई गौमांस तस्करी के आरोप वसीम की मौत के मामले में राजनीति तूल पकड़ रही है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और करण मेहरा के नेतृत्व में रुड़की तहसील का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रुड़की तहसील पहुंचे और माधोपुर तालाब में डूबने से हुई वसीम की मौत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस द्वारा वसीम उर्फ मोनू की हत्या करने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गुंडा राज चल रहा है, न कि कानून का राज। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस अब भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में परिवार को इंसाफ नहीं मिला। वहीं रुड़की के संतरशाह गांव में एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब सरकार वसीम की मौत पर चुप्पी साधे हुए। संतरशाह की निर्भया को न्याय देने के मामले में बड़ी कंजूसी की जा बड़ा बड़ा संकोच बरता जा रहा है और उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया और उसको इतना अवसर दिया कि जिससे वो निर्भय होकर के आपने निर्भया के परिवार को डराने का काम कर सके। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन करने और शांतिक्षा की निर्भया के लिए न्याय मांगने आए हैं। बेरा में जो हत्याकांड हुआ था जिसमें कई वादे किए गए थे, सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन वादों को पूरा करो इसकी मांग करने के लिए आए हैं और वसीम को जिसको मारा गया है और उसके लिए चेतावनी देने के लिए आए हैं। वहीं करण माहर ने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस सरकार में उत्तराखंड वासियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसका विरोध अब उनकी पार्टी आमजन के साथ मिलकर करेगी। कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का हौसले बुलंद है। जैसे संतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है और आज तो उसको न्याय नहीं मिला। उसमें जो संलिप्त था, जो मुख्य आरोपी था, वो भारतीय जनता पार्टी का तीसरा ओबीसी मोर्चे का पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक पद का सदस्य, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। और इसी तरह वसीम की मौत हुई है, पुलिस की कस्टडी में कैसे मौत हो सकती है? साफ जाहिर है कि पुलिस ने उसके उसकी हत्या की है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।